हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स के अंदर आप लोगों को डायनामिक आइसलैंड देखने को मिली थी। एंड डायनामिक आइसलैंड को आप लोग किसी भी रियलमी ओप्पो एंड एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर एनेबल कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोग डेडिकेटेड वीडियो बना करके बताया था, लेकिन उस वीडियो के नीचे आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिले कि भाई iOS 16 में जो कंट्रोल सेंटर है उसको कैसे एनेबल करें एंड रियलमी एंड ओप्पो डिवाइसेस के अंदर कैसे हम लोग डिफॉल्ट कंट्रोल सेंटर को रिप्लेस करके iOS 16 का जो कंट्रोल सेंटर है कुछ इस तरीके से इसको एनेबल करें और बिल्कुल फ्री में ट्रिक बताओ एंड जो सभी फीचर्स हैं प्रॉपर तरीके से वर्क भी करने चाहिए। तो सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप लोग रियलमी UI 3.0 के कंट्रोल सेंटर से शिफ्ट हो सकते हो iOS 16 के कंट्रोल सेंटर के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंड प्रॉपर तरीके से आप लोगों को पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करना एंड पहली बार अगर आप लोग चैनल के ऊपर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे प्रेस कर सकते हो। इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, आई होप आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। सो लेट्स बिगिन। अब दोस्तों बात की जाए कि आप लोग किसी भी रियलमी ओप्पो या एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर iOS 16 का जो कंट्रोल सेंटर है उसको आप लोग कैसे एनेबल कर सकते हो। वेल रियलमी एंड ओप्पो डिवाइसेस के अंदर अगर आप लोग इसको एनेबल करना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली थीम स्टोर के ऊपर कुछ थीम्स देखने को मिल जाएंगी। मैं आपके साथ एक थीम शेयर कर देता हूं जिसका नाम आपको फॉर iOS 16 देखने को मिलेगा। इस थीम के अंदर आप लोगों को iOS 16 के जितने भी फीचर्स हैं, आपकी लॉक स्क्रीन, विजेट एंड कंट्रोल सेंटर, ये सभी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये थीम आपको पेड देखने को मिलती है। अगर आप लोग बाइक करना चाहो तो बाइक कर सकते हो, लेकिन 40 रुपये अगर आप लोग इस थीम के ऊपर खर्च करोगे तो मैं कहूंगा वर्थ है, क्योंकि इस थीम के ऊपर आप लोगों को काफी सारे कस्टमाइजेशन के जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कुछ यूजर ऐसे हैं जो 40 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहते और अपने डिवाइसेस के अंदर कुछ इस तरीके का जो कंट्रोल सेंटर है iOS 16 का उसको एनेबल करना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी जिसका नाम आपको देखने को मिलता है आई कंट्रोल कंट्रोल सेंटर OS 16। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। सिंपली आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को अपने डिवाइस के अंदर डाउनलोड कर लेना है एंड इंस्टॉल कर लेना है। और एक बात, इस एप्लीकेशन की मदद से आप लोग किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर iOS 16 का जो कंट्रोल सेंटर है उसको एनेबल कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। अब दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप लोगों ने इसको ओपन करना है। वेल जैसे आप लोग ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोगों को इस एप्लीकेशन का प्रो वर्जन भी देखने को मिलेगा, यानी कि प्रीमियम वर्जन। तो आप लोग उसको अगर बाय करना चाहें तो कर सकते हो, अगर नहीं करना तो सिंपली आप लोग यहाँ पर स्किप कीजिए। अगर कोई ऐड है तो उसको आप लोग क्लोज कर दीजिए एंड कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है आप लोगों को इस एप्लीकेशन का फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। सबसे पहले जितनी भी परमिशन आपसे ऐप मांगे इसको आप लोगों ने अलाउ कर देना है एंड अलाउ करने के बाद आप लोगों ने सिंपली एनेबल कंट्रोल सेंटर जो है इसको आप लोगों ने एनेबल करना है, आपका काम खत्म हो गया। इतना सब करने के बाद आप लोग क्लोज करो एंड अगर आप लोग यहां पर राइट साइड से स्वाइप करोगे तो आप लोगों को आपके डिवाइस का जो नया कंट्रोल सेंटर है iOS 16 का वो देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो आपको सभी वर्किंग देखने को मिलेंगे। जैसे आईफोन के अंदर ओपन होता है ब्राइटनेस बार, सेम वैसे देखने को मिलती है। वॉल्यूम कंट्रोल जैसे आईफोन के अंदर ओपन होते हैं सेम वैसे आपको देखने को मिलेंगे। और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको इस कंट्रोल सेंटर के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग राइट साइड से स्वाइप करोगे तो आप लोगों को आपको iOS 16 का कंट्रोल सेंटर मिलेगा एंड अगर आप लोग लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो आप लोगों को आपके डिवाइस का जो डिफॉल्ट कंट्रोल सेंटर है वो देखने को मिलता है। वेल मुझे तो ये कंट्रोल सेंटर काफी सही लगा। iOS 16 के जो फीचर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे एंड सेम आप लोगों को iOS के जो फीचर्स हैं, आईफोन के जो फीचर्स हैं, लुक है वो भी आपको आपके डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगी। और सब जो वॉल्यूम बार्स हैं, ब्राइटनेस बार्स है, वर्क करती है प्रॉपर तरीके से। आप लोग इसको अपने यूजर्स के हिसाब से यूज कर सकते हो। फिर आप लोगों को ये कंट्रोल सेंटर कैसा लगा एंड इस तरीके से आप लोग ColorOS 13 Realme UI 3.0 Realme UI 4.0 का जो कंट्रोल सेंटर है उसको आप लोग रिप्लेस करके Realme UI 4.0 का कंट्रोल सेंटर है उसको आप लोग अपने डिवाइस के अंदर एनेबल कर सकते हो। ये तो बात हो गई कि आप लोग किसी भी Realme एंड Oppo डिवाइसेस के अंदर ओल्ड कंट्रोल सेंटर से कैसे आप लोग न्यू कंट्रोल सेंटर की ओर शिफ्ट कर सकते हो, पूरी प्रोसेस जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब दोस्तों अगर आपको भी Realme एंड Oppo डिवाइस की जितनी भी ऑफिशियल सिस्टम एप्लीकेशन है इनके अपडेट्स अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में Realme सिस्टम ऐप अपडेट टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको डेली Realme एंड Oppo डिवाइसेस की ऑफिशियल सिस्टम एप्लीकेशन के जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले देखने को मिलेंगे और कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती एंड प्राइवेसी का भी कोई इशू आपको देखने को
को नहीं मिलेगा। जितनी भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती हैं बिल्कुल सिक्योर आपको देखने को मिलेंगी, ऑफिशियल रोम फाइल से एक्सट्रैक्ट करके निकाली जाती हैं। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप लोग इसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। एंड साथ में इस तरीके का नोटिफिकेशन पैनल जो है वो भी आप लोग अपने किसी भी Realme एंड Oppo डिवाइस के अंदर एनेबल कर पाओगे। फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे आपको लाहिर का बटन देखने को मिलेगा, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।